हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लूज़ पाउडर, और ये लूज़ पाउडर होने वाला है बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि मैंने किचन इंग्रेडिएंट के यूज़ से इस लूज़ पाउडर को बनाया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉर्न स्टार्च जो होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आपको लेना है बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में कोकोआ पाउडर, और उसके बाद बहुत थोड़ा सा ही आपको लेना है टर्मरिक पाउडर, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये लूज़ पाउडर ऑलमोस्ट सबको ही सूट करने वाला है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा होता है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह पे लूज़ पाउडर का यूज़ करते हैं तो फिर आपको ये स्वेटिंग से भी बचाता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन टोन से ठीक से मैच नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा कोकोआ पाउडर इसमें और मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने इसमें मिक्स किया था ताकि ज़्यादा ना हो जाए, और ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट बना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और आराम से आप इसको 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ जो जल्दी ख़राब हो जाती है। और क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है तो आप इसे ईजीली रख के यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों का स्किन येलो अंडर टोन में होता है, जिसके लिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर को मिक्स किया था। अगर आपका ये पिंक अंडरटोन में है स्किन तो फिर आप इसकी जगह पे रोज़ पाउडर को मिक्स कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपका जो लूज़ पाउडर है वो आपके ही स्किन के मैच का बनेगा। हल्दी को यूज़ करने का एक मोटिव ये भी था कि ये नेचुरली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये एक्ने को ट्रीट करता है और स्किन को नेचुरली लाइट करने में भी हेल्प करता है। तो अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आपको देख सकते हो कि कंपैरिजन आप देख सकते हो। मैंने लेफ़्ट हैंड में लूज़ पाउडर को यूज़ किया है और राइट हैंड में नहीं किया है, तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।